फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू हाजिर हूं आज 12th के लिए अपना फिर एक लेक्चर लेकर के। और वो लेक्चर होगा डबल फर्टिलाइजेशन पे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन के बिना ना तो सीड बनने वाला है ना तो फ्रूट बनने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो शायद पहली बार देख रहे हो चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको जो लास्ट वीडियोस हैं वो भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से सारा चैप्टर क्लियर नहीं हो जाएगा। तो हो सकता है कि आपको समझ में थोड़ा कम आए, लेकिन इसके लिए आपको हमारे प्रीवियस जो लेक्चर पढ़े हैं उसको देखना पड़ेगा। उसको देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम आपके साथ बने रहेंगे यूं ही पूरे साल। सिलेबस खत्म होने के बाद भी हम गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पर भी चर्चा करेंगे। तो आपका सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक हमारे लिए रिवार्ड होते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। तो चलिए मैं एक बार रिकैप देता हूं। बेटा, अभी तक हमने इस चैप्टर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉरेन प्लांट्स में हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। इवन एक या दो लेक्चर में चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मैंने चैप्टर को मिनिमम 5 लेक्चर में रखा हुआ, जिससे कि आपको हर टॉपिक अलग से समझाया जा सके एक एक टॉपिक के लिए। जैसे आज मैं केवल डबल फर्टिलाइजर पे बात करूंगा, सिर्फ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के लिए नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो आपके साथ हमें पढ़ना पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए एंड तक वीडियो को देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ डिस्कस करूंगा, वो भी आपको समझना है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डबल फर्टिलाइजेशन। फ्रेंड्स, डबल फर्टिलाइजेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए हो गया क्योंकि ये खास बात, पहली बात तो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पर बनने वाले जो सीड होते हैं, उस सीड को, जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होंगे, जो एम्ब्रियो एक न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट होंगे, उनको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन मिलता है, हेल्दी सीड्स होते हैं। और एंजियोस्पर्म ने ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया पे राज रखा है। आप जितने भी फ्रूट्स देखते हैं, आप जितने भी प्लांट्स देखते हैं, मोस्टली आपके सराउंडिंग, डेफिनेटली आपके सराउंडिंग जो आप प्लांट देखते हैं, 95% केवल आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखते हैं, रिमेनिंग 5% आपको अदर प्लांट मिलते हैं। और मेरे ख्याल लगता है कि 99% एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखते होंगे। तो ये जो इतना दबदबा इन्होंने बना रखा है ना प्लांट्स ने, ये दबदबा क्यों बना रखा है? क्योंकि ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। चलिए आप भी समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं अपने स्टाइल लेके चलता हूं, आपको डबल फर्टिलाइजेशन से रूबरू कराता हूं कि क्या है डबल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले हमारी हेडिंग है डबल फर्टिलाइज। देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सबसे पहली बात, फर्टिलाइजेशन का मीन समझ ले, फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन का मीन मैं साइड में कर रहा हूं, हम क्या करते हैं पार्टीशन बना लेते हैं, पार्टीशन में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझें कि फर्टिलाइजेशन क्या है। Fertilization mean fusion, fusion किसका fusion है? Fusion of male and female. Fusion of female and female gamete. तो जब कभी भी हम male gamete का female gamete के साथ fusion कराएंगे, तो आप उसके लिए term का use करोगे fertilization. अब कहीं पर यही fertilization 2 times होगा, तो आप क्या बोलेंगे? Double fertilization. तो बेटा, हमारा last topic हुआ करता था pollen pistil interaction, जहां पर आपको याद होगा
मैं इसलिए रिमेम्बर करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, जो न्यू व्यूअर्स है उनको समझ में आ जाए और हमारे जो पुराने स्टूडेंट जो देख रहे हैं कंटिन्यूटी से उनको भी एक बार अच्छे से समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आपको याद होगा कि कार्पल पे पॉलन ग्रेन आकर के गिरे थे और आपको अच्छे से याद है कि स्टिग्मा ने अलाउ किया उनको और कहा कि भाई ठीक है आप पॉलन ट्यूब बना दीजिए। तो हमारा पॉलन के जो इंटाइन लेयर होती थी बेटा वो एक ट्यूब बनाती थी, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती थी बेटा, और इस ट्यूब को आपको याद होगा हम लोग क्या कहते थे, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब कहाँ जाता था बेटा, ओव्यूल के पास। इस पॉलन ट्यूब में हमारे क्या होते थे, मेल गैमीट, जो हमारे मेल गैमीट थे जो किसने बनाए थे, जनरेटिव न्यूक्लियस ने बनाए थे, जनरेटिव सेल ने बनाए थे, उन्होंने टू मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन किया। इनके पीछे पीछे चल रहे हैं ट्यूब न्यूक्लियस, बहुत सी बुकें ट्यूब न्यूक्लियस को आगे भी लिख देती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक हमारा स्टिक कार्पल है, कार्पल में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर हमारी एक्सेल होती है, मैं बताऊंगा। वहां तक पहुंचना था हमारे मेल गैमीट को, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था इसलिए सारी घटनाएं ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की थी। अब फर्टिलाइजेशन होने जा रहा है, अब हमारा पॉलन ट्यूब एंटर कर रहा है ओव्यूल के पास। तो देखिए एक मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देने जा रहा हूं, समझिएगा अच्छे से। आपको पहले एक डायग्राम ड्रा मैंने, दो स्टेप में चीजों को दिखाऊंगा, आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं चाहता तो ग्राफिकल स्ट्रक्चर दे सकता था लेकिन नहीं, मैंने कहा बना के दिखाऊंगा, ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, खुद से करी गई चीजें ज्यादा अच्छी होती है। पॉलन ट्यूब लेता हूं, पॉलन ट्यूब एंटर करने जा रहा है, चलिए थोड़ा अंदर के डेकोरम कर दिया जाए भाई, एम्ब्रियो सैक के अंदर तो क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। आपको अच्छे से पता है ये हमारी एंटीकोडल सेल है, बीच में बेटा सेंट्रल सेल हुआ करती थी, यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियस हुआ करता था। स्टार्टिंग में हम इसे पोलर न्यूक्लियस कहते थे लेकिन जब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है बेटा तो इनकी बीच की जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ये बीच की मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर देंगे हम, तो ये दोनों एक ही जुड़ गए और अब इसे हम नेम देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैं रेपिंग करूंगा, अंदर की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर एक बड़ी हमारी एक्सेल मौजूद होती है, एक्सेल मौजूद होती है, यहाँ पर हमारी दो इनकी फ्रेंड्स सिनेकिड सेल होती थी। साथ ही साथ आपको एक मैंने क्वेश्चन लिखाया था फिलीफॉर्म एपरेटस, तो सेलुलर थिकनिंग होती है जो रास्ता देती है इस पॉलन ट्यूब को, इसको हमने फिलीफॉर्म एपरेटस बोला था। चलिए लेबलिंग चाहे तो आप खुद कर सकते हैं लेकिन मैं ही कर दे रहा हूँ। ये हमारे मेल गैमेट है, ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो कुर्बानी दे देते हैं, तो वो डिस्ट्रॉय होकर के क्या करते हैं, निपट गए, न्यूट्रिशन दे दिया, किसको दे दिया, अपने दो मेल गैमेट को। चलिए लेबलिंग क्या चाहिए, लेबलिंग यू नो फर्स्ट लेबलिंग आपको खुद करनी है, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल सेल, ये नई चीज है ये मैं लिख दूंगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस, थर्ड एक्सेल, फोर्थ सिनर्जिक सेल्स एंड द फिफ्थ वन इज
फिलीफॉर्म एपरेटस, और अच्छे से जानते जो है इंटरमेंट इनकम्लीट है, ये हमारा क्या माइक्रोपाइल, यानी वन पे आप लिख लीजिए क्या लिखेंगे एंटीपोडल सेल, वन पे एंटीपोडल सेल लिखेंगे। सेकंड हमारा ये सेकेंडरी न्यूक्लियस ही है, सेकंड क्या है सेंट्रल सेल है, थर्ड क्या है हमारी एक्सेल है, फोर्थ क्या है हमारी सिंगलबीट सेल्स है, फिफ्थ फिलीफॉर्म एपरेटस इट गाइड टू पॉलन ट्यूब टू एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, एंड द सिक्स्थ इज माइक्रोपाइल। ये नाम आपको लिखने इसलिए मैं लेबलिंग नहीं करी, हमारा समय भी बचेगा इस पे क्योंकि डबल पार्टिशन को अंजाम देना है। अब चलिए इसी पे मैं आता हूं, जब अभी पॉलन ट्यूब आ गया ओवरी के अंदर पहुंच चुका है, ऐसी कंडीशन पे हमारे डायग्राम नंबर 1 डायग्राम नंबर 4 ये डिसअपीयर हो जाते हैं, यानी एंटीपोडल डिसअपीयर हो जाएगी, हमारे सिग्नल बिट क्या हो जाएंगे डिसअपीयर आ जाएंगे, ले देके बचेगा कौन, ले देके बचेंगे केवल सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एक्सेल, ये दोनों बचे। अब देखिए जो हमारा पॉलन ट्यूब आया हुआ था वो पॉलन ट्यूब का एपिकल पार्ट, पॉलन ट्यूब का एपिकल पार्ट ये लाइसिस हो जाता है, लाइसिस का मतलब गल जाना, क्या हो जाएगा तो बहुत से पॉलन ट्यूब में बहुत सारे स्पीशीज में ये जो पॉलन ट्यूब का एपिकल पार्ट ये लाइसिस हो जाता है, गल जाता है एंजाइम के कारण, या कभी-कभी इनमें टाइनी पोर्स होते हैं, इन टाइनी पोर्स से हमारा फॉल गैमेट्स है मेल गैमेट्स ये एंटर कर जाते हैं। चलिए दो तरीके से एंटर कर रहे हैं, या तो लाइसिस हो गया एपिकल पार्ट हमारे पॉलन ट्यूब का, या फिर टू टाइनी पोर्स हैं उन टाइनी पोर्स अंदर चले गए और हमारे गैमेट्स, मैं गैमेट्स अपना थोड़ा दूसरा बनाने की सोचा उससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, तो हमारे गैमेट्स आ गए। आप देखेंगे एक गैमेट ने फ्यूजन किया हमारे एक्सेल से, तो इसको क्या राइट करेंगे, इसको राइट करेंगे वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ एक्सेल, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी, सिंगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एक्सेल, इसको हम प्रोसेस को बोलेंगे नेम सिंगेमी, या इसे को हम कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे बेटा, क्योंकि यही जो है बनाता है जायगोट, ये स्ट्रक्चर बनाएगा जायगोट, और जायगोट कैसे होगा डिप्लॉयड होगा, 2n होंगे n मेल के n क्रोमोसोम, फीमेल के 2n हो गया, जायगोट तैयार हो गया। अब देखिए दूसरे में हम क्या ऐड करेंगे, एक तो हमने कर दिया, अब दूसरे में क्या लिखेंगे अदर, अदर मेल गैमेट फ्यूज्ड विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखिए पहला प्रोसेस ये हुआ सिंगेमी, यहाँ दूसरे प्रोसेस में खास बात लिखते हैं कि भाई तीन न्यूक्लियस हो गए, देखो एक एन इनका एक एन इनका एन एन इनका, तीन लोग फ्यूज हो रहे हैं, जब तीन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोला इसी को हमने ट्रिपल फ्यूजन, यही हो गया हमारा क्या ट्रिपल फ्यूजन। तो देखिए दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा ना, एक मेल गैमेट और एक्सेल का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरा मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो भाई जब दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसी को हमने क्या बोला डबल फर्टिलाइजेशन, ये था बेटा डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन में आपने क्या देखा कि सिंगेमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहा है, क्योंकि बेटा जायगोट बना है, यही जायगोट एम्ब्रियो बनाएगा और यही एम्ब्रियो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेगा,
जबकि इधर देखिए क्या बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस ये जो बनेगा सेंट्रल सेल, ये एंडोस्पर्म बन जाएगा अभी जाकर के। और एंडोस्पर्म क्या करेगा, एंडोस्पर्म हमारे इस जो हमारा क्या है जायगोट है, इस जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारे स्टाइल में रहा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट भी आपको दे दें। पहले दो चीजें याद रखेंगे, सिंगेमी आपसे पूछेगा व्हाट इज सिंगेमी या व्हाट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो सिंगेमी क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद एक्सेल एंड फॉर्म जायगोट कॉल्ड सिंगेमी। और आपसे कहेगा ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो अदर मेल गैमेट फ्यूज्ड विद सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। किसी को बड़ा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एग्जाम में पूछ लेता है व्हाट इज पीईएन, व्हाट इज पीईएन, याद रखेंगे पीएन क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब आपसे बोर्ड क्वेश्चन कैसे करेगा, बोर्ड यहां पर दो क्वेश्चन आपसे पुट अप कर सकता है। एक क्वेश्चन पुट अप क्या करेगा कि सेल्स के डिफाइंड डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज सिंगेमी। तो तीन क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब आपको थोड़ा सा मुक्किस के बारे में बताते हैं, मुक्किस का थ्योरी के लिए आपको मिल जाए। तो थ्योरी पे जाए तो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर गेट द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द टू मेल गैमेट्स, ये आपके नोट्स के लिए है, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर गेट, वन मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द एक्सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस कॉल्ड सिंगेमी एंड फॉर्म जायगोट। जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड मैंने बताया था, क्योंकि एक एन हमारा मेल गैमेट का है और एक एन हमारा एक्सेल का है, तो हो गया 2n। फिर कह रहा सेकंड द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड द पोलर न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस के पास, इसे मैंने सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहा है, इन द सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल पढ़ा भी आपने, सेंट्रल सेल बीच में सेल, एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस अ ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन। क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पीईएन। एज इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियस, थ्री हैप्लॉयड थे, दो तो ऑलरेडी हमारे किसके थे, पोलर न्यूक्लियस के, और एक हमारे मेल गैमेट का आ गया, तो क्या हो गया 3n हो गया स्ट्रक्चर, इसी को हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। तो प्लांट में तो पॉसिबल है कि कोई चीज 3n स्ट्रक्चर जिंदा रहे, लेकिन इंसानों में नहीं है कि हम लोग 23 पेयर की जगह 46 पेयर क्रोमोसोम रख के जिंदा रहे, नहीं हम लोग नहीं रहते, लेकिन प्लांट में पाया जाता है वो रह जाते हैं, क्योंकि 3n स्ट्रक्चर, तीन न्यूक्लियस अपने यहां, जायगोट जब बनता है तो केवल दो ही स्ट्रक्चर 2n होगा, and it is called triple fusion. Also क्या बोला हमने, triple fusion, तीन लोगों का fusion हो गया। Since two types of fusion, यानी syngamy and triple fusion, कह रहा है two type of fusion, syngamy and triple fusion take place in an embryo sac. कहाँ पे हो रही सारी चीजें, ये embryo sac में, it is called double fertilization. इसी को हमने क्या बोला, double fertilization. It is an event unique to flowering plants. ये एक event unique है flowering plant के लिए. Unique है साथ साथ the central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell. अभी primary endosperm nucleus बोल रहे थे हम लोग, लेकिन जो central cell के बीच में जो cell थी, वो क्या बन जाए, कौन सा cell, देखिए मैं दिखा रहा हूँ कौन सा cell थी वो, ये कि जो primary endosperm हमारा cell था central cell, अब ये बन जाएगा primary endosperm cell. और उसका nucleus क्या है, primary endosperm nucleus. यानी पी ई सी के अंदर क्या है, पी ई एन पेक पेक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही जब मैच्योर हो जाएगा तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है। बेटा आते हैं क्या, आपको बता दूं ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है एंडोस्पर्म, सारी चीजें गायब, केवल एंडोस्पर्म बन गया और जायगोट बचता है, और ये एंडोस्पर्म इस जायगोट को न्यूट्रिशन देता रहता है, जिंदा रखे रहता है, कि अगर तुम्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए तो तुम फेवरेबल कंडीशन में एक सीड से एक न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हो, है ना। तो हम लोग थे
सेंट्रल से आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म जायगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो और जो जायगोट है वो एम्ब्रियो बनेगा अब जो जायगोट एम्ब्रियो बना देगा तो वो एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट जनरेट होगा लेकिन वो जनरेशन हमें देखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स तो आज के इस लेक्चर में जो हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा डबल फर्टिलाइजेशन में कि डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन अच्छा डबल फर्टिलाइजेशन दिया किसने था तो डबल फर्टिलाइजेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम था नवाज़चिन ने दिया था डबल फर्टिलाइजेशन क्लियर तो ठीक है आज की मुलाकात हम यहीं तक रखते हैं हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का लेक्चर फिनिश हुआ जैसा कि मैंने कमिटमेंट किया नेक्स्ट लेक्चर पे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे और वो लास्ट लेक्चर होगा ऐसे सभी को उस लेक्चर में रहना जरूरी है और इसके लिए ये भी जरूरी है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिले भाई कि किस दिन हमारा पढ़ रहा है तो ठीक है गाइस मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय-बाय